इधर दमोह में बड़ी चाकूबाजी की घटना से लोग दहशत में हैं। देर रात भी भाजपा नेता समेत दो लोगों पर नकाबपोश लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हालांकि घटना वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरी तरीके से कैद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर के महाकाली चौराहे पर भी राहुल कोरी नाम के युवक पर अज्ञात युवकों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों घटनाओं में गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं शहर में बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं पर दमोह के सीएसपी अभिषेक तिवारी ने जांच की बात कही है। चाय पी रहे थे, इतने में मुझे खड़े खड़े बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि कोई लड़का मेरे जीभ से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने ये हाथ पे उसने चाकू मारा, फिर उसके बाद जब मैं पलटा तो उसने तीन चार जितने भी घाव, मुझे नहीं पता कितने घाव पीछे मारे हैं, लेकिन उसने घाव मार के उसने दौड़ लगा दी।